बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादलों का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने तबादलों पर लगी रोक को हटा दिया है। 1 लाख से ज्यादा टीचर्स के तबादले का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट के फैसले से यूपी सरकार को भी बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी है। सामान्य परिस्थितियों में दोबारा नहीं हो सकता है ट्रांसफर, ये जरूर कहा है हाईकोर्ट ने। एक बार ट्रांसफर पा चुके टीचर्स का दोबारा तबादला नहीं हो सकता है। मोइन हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। मोइन, यूपी सरकार को राहत जरूर मिली है हाईकोर्ट के इस फैसले के साथ, लेकिन क्या टिप्पणी हाईकोर्ट ने की है? देखिए, सीधे तौर पर पहले आपको समझाना चाहेंगे कि मामला क्या है। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी जो स्कूल हैं उनमें टीचर्स के एक से दूसरे जिले में ट्रांसफर होना था। सरकार ने ट्रांसफर की जो नीति बनाई उसमें यह तय किया कि जिन टीचर्स को एक बार तबादले का लाभ दिया जा चुका है उन्हें इस दायरे में नहीं रखा जाएगा और उन्हें इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। सैकड़ों की संख्या में टीचर्स ने इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए पूरे तबादले की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी और 15 अक्टूबर को अपना जजमेंट रिजर्व कर दिया था। अब से कुछ देर पहले कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी है और कहा है कि सरकार का जो फैसला था सही था, और ये भी कहा है कि सामान्य परिस्थितियों में एक टीचर को दोबारा तबादले का लाभ नहीं दिया जा सकता। हालांकि कोर्ट ने ये छूट जरूर दी है, ये जरूर कहा है कि विशेष परिस्थितियों वाले लोगों को दूसरी बार तबादले का फायदा दिया जा सकता है। कोर्ट ने इसके लिए कुछ डेफिनेशन दी है कि जो लोग गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं उनका मेडिकल ग्राउंड पर तबादला किया जा सकता है। दिव्यांगों को भी इस परिस्थिति में रखा जा सकता है। ऐसी विवाहित महिला टीचर जिन्होंने शादी के पहले अपने मायके में तबादला कराया था, अब अगर उनकी शादी हो गई है उनको अपने पति के साथ ससुराल वालों के साथ रहना है तो उन्हें भी इस दायरे में रखा जा सकता है। तो कोर्ट ने साफ कर दिया है कि विशेष परिस्थितियों के अलावा सामान्य परिस्थितियों में दोबारा ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, और भी इस बारे में उत्तर प्रदेश सरकार का जो फैसला था वो फैसला पूरी तरह सही था और हाईकोर्ट ने इसी आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार से तबादले की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है और कहा जो समझा जा सकता है कि 1 लाख से ज्यादा टीचर्स ने इसके लिए अप्लाई किया था और 54,000 टीचर्स को इसमें तबादला होना है। तो जब रास्ता साफ हो गया है तो बड़े पैमाने पर टीचर्स एक से दूसरे जिले में जा सकेंगे। महीनों से उनको जो इंतजार था वो इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं। रास्ता साफ हो गया है और तबादले की प्रक्रिया अब शुरू हो सकेगी। बिल्कुल मोइन, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जो इंतजार शिक्षक कर रहे थे वो इंतजार अब खत्म हो गया है और अब ट्रांसफर जो है वो एक बार फिर से शिक्षकों के हो सकेंगे अंतर जनपद।